तो भाई बकरों को करने के बाद अब हम कबूतरों में आ चुके हैं हमारे। हमने सारे जोड़ों को खोल दिया है और अब आप देख ही सकते हैं ये आके पानी पी रहे हैं और अपना, क्योंकि ये पूरे दिन खुले तो नहीं रहते, हाँ कमरे के अंदर खुले रहते हैं ये पूरे दिन, बट शाम को बाहर खोलते हैं इन्हें। अभी फ़िलहाल इनको मैं थोड़ा सा दाना डाल देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि बच्चों में कितनी ग्रोथ हुई है, माशाल्लाह कितने बड़े हो गए बच्चे। ये देखें सफ़ेद वाला उड़ रहा है, डालेंगे दाना। ये इनकी ट्रे में डला हुआ है ऑलरेडी, इसमें हम थोड़ा सा बाजरा भी मिला लेंगे। आप देखें ये बाजरा है साफ बिल्कुल, इसको हम ग्लास से ले लेंगे इसमें। ये ट्रे के अंदर ही है क्योंकि जितना इन्हें खाना होगा वो खा लेंगे और बाकी जो है वो वेस्ट नहीं होगा जमीन पर पड़ा हुआ। तो अब इसको हम यहाँ पे ऐसे करके रख देंगे तो अब ये सब आ जाएंगे। ये देखिए ये अपना ईंटे खा रहे हैं जो बारीक बारीक टुकड़े होते हैं जिससे हाजमा भी होता है, कैल्शियम भी होती है इसमें। इसको मैं थोड़ा सा भी और ईंटे तोड़ दूंगा। आप हथौड़ी देखें वहाँ पे रखी रहती है, बारीक बारीक टुकड़े हो जाते हैं तो सही रहता है इनके खाने के लिए। अब फ़िलहाल ये कबूतर खाना खा रहे हैं सारे। अभी मैं आपको आउल के बच्चे भी दिखाऊंगा कि वो कितने बड़े हो गए माशाल्लाह, कितना साइज उन्होंने गेन कर लिया है। और भी दो तीन पेयर्स ने अंडे दिए हैं, उन्हें भी चेक करेंगे अभी। वो देखिए सफ़ेद को वो चक्कर काट रहा है अभी भी। बाकियों के ज़रा पिन डाल दिए हैं क्योंकि कोई होता नहीं है और ये रात को रह जाते हैं उड़ते उड़ते, पूरी उड़ान पे आए हुए माशाल्लाह, तो फिर रात को रह जाएं कहीं और बैठे कोई पकड़ ले या बिल्ली, वैसे पकड़े तो नहीं जाएंगे बट बिल्ली मार दे कोई फ़ायदा नहीं है नुकसान होने का। अभी इतना टाइम नहीं है कि इन्हें प्रॉपर उड़ा सके इसलिए उसके भी पिन डले हुए हैं। और जितने भी कबूतर उड़ान पे आए थे सबके पिन डाल रखे हैं जिससे वो रुके रहे यहीं पे छत पे। अभी अंदर चल के बच्चों को भी देखेंगे जब तक ये खाना खा लें। तो गाइज़ अभी मैं बकरों के इंजेक्शन लगवाने आया था बीच में कबूतरों को बंद करके, और ऊपर जा रहा था मैं वापसी कबूतरों को देखने। तो यहाँ पे देखिए हमारी ज़ेल्डा कहाँ पहुँची हुई है, पीछे। ये आज तक यानी ज़ेल्डा कम 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 चलो वापस, चलो चलो वापस। इसराइल भाई ज़ेल्डा आओ, कम 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 आ जा। तो बस ये है, जहाँ कोई जा रहा है वहीं जाऊंगी मैं साथ में। कम 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 चलो बाहर। इसको ऐसे लाना पड़ता है। अब हम चलते हैं पीछे कबूतरों के पास और वहीं चल के ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। अब मुझे ज़रा इनका दाना अंदर रख के बाहर जाना, नीचे जाना पड़ गया था क्योंकि बकरों के इंजेक्शन्स लगने थे। सो अभी मैं वो देख करवा के ऊपर आया हूँ तो रास्ते में ज़ेल्डा मिल गई, जीने में जैक मिल गया, पता नहीं पीछे आके साले क्या कर रहे हैं। अभी ये पानी पी रहे हैं, मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ और जिन्होंने पेयर्स ने अंडे दिए नए पेयर्स ने। सबसे पहले हमारे मोडेना वाले पेयर ने अंडे दिए हैं, ये आप देख सकते हैं फर्टाइल हैं एग्स। अब जो मेन चीज़ थी वो मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करें माशाल्लाह कितने प्यारे हो रहे हैं। ये चाइनीज आउल है, ये ग्रे कलर में आया, देखिए आप इसकी टाई अभी से पर उल्टे उल्टे वापस आ रहे हैं। ये देखिए ये दोनों चाइनीज आउल हैं, ये ग्रे कलर में आया है, ये क्रीम शेड में है। ये देखिए अभी इसको रख देते हैं फिलहाल। ये था मेन अपडेट। और हमारे लखाओं ने यहाँ तो लड़ाई चल रही है, इन्होंने भी अंडे दे रखे हैं, इनको चेक करते हैं। ये अभी नए अंडे हैं तो अभी इनमें कुछ फर्टाइल और अनफर्टाइल ही हैं क्योंकि हिल रहा है, इसमें से आवाज़ आ रही है। तो फिलहाल इन्हें अभी बैठा रहने देते हैं, कोई बात नहीं। और इस पेयर ने भी अंडे दे रखे हैं और ये भी, ये फर्टाइल हैं दोनों। देख के कलर हल्का सा ग्रेश हो जाता है जब अंडा पक जाता है ना, मतलब जब बच्चा पड़ जाता है अंडे के अंदर। और इस पेयर ने भी अंडे दे दिए हैं लखा के, तीनों पेयर्स ने माशाल्लाह अंडे दे दिए हैं, लखा के तीनों जोड़ों ने अंडे दे दिए माशाल्लाह।
अभी फिलहाल ये वाला पेयर यहाँ पे कंप्लीट पूरा चला गया, तो इसे बंद कर देते हैं वो। और यहाँ पे मैगपाई ने अंडे दे रखे हैं, ये आप चेक करें। और अभी तो खैर ये घूम फिर रहे हैं, ये इन वाले पेयर्स को भी बंद करते हैं अब और चलते हैं नीचे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।